देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर जहां एक तरफ बवाल मचा है तो वहीं बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के अंदर सहकारिता बैंक से केसीसी लेने वाले किसानों के लिए यह अच्छी खबर सामने आई है। ऐसे किसानों की अब सूद में 90% तक की राशि माफ हो सकेगी। राज्य के सहकारिता बैंकों में सूद माफी के लिए 15 दिसंबर से ही इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने बुधवार को इस योजना की समीक्षा के साथ ही बैंकों को सभी एनपीए धारकों को नोटिस देने का भी निर्देश दिया। सरकार ने यह फैसला किया है कि 31 जनवरी तक जो किसान ब्याज की माफी के लिए आवेदन करते हैं उन्हें 90% तक के सूद माफी का लाभ मिल सकता है। फरवरी महीने में आवेदन करने वाले किसानों को 80% सूद की राशि में माफी मिल सकती है। सरकार के आदेश के मुताबिक जनवरी महीने में आवेदन करने वालों को 90% तक सूद में माफी का लाभ मिलेगा, फरवरी में आवेदन करने वालों को 80% तक। दरअसल सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि केसीसी के जरिए बैंकों का पैसा डिफॉल्टर के पास फंसा है। यह रकम 563 करोड़ रुपए है। राज्य के अंदर लगभग 2 लाख ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा जिनका केसीसी एनपीए हो चुका है। इसके अलावा लगभग 1000 डिफॉल्टर पैक्स भी इसका लाभ उठा पाएंगे। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को केवल मूलधन के साथ सूद की बकाया राशि में 10% का भुगतान करना होगा। राज्य में सहकारी बैंकों से केसीसी लेने वाले किसानों की संख्या लगभग 4 लाख है। इनमें से आधे यानी लगभग 2 लाख किसानों का खाता एनपीए हो चुका है। ऐसे खातों में बैंकों का लगभग 300 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। बैंकों की तरफ से 56,000 से ज्यादा एनपीए खातों को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन कोई असर होता नहीं देख आखिरकार सरकार सूद माफी की योजना लेकर आई है।